नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। धमतरी गांव में रतनजोत खानर की वजह से 20 बच्चे हुए बीमार। बच्चों को धमतरी के जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। खेल खेल में खा लिया था रतनजोत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के कोरपनावानी रोड पर ट्रक और वैन की हुई जोरदार टक्कर। इस भीषण सड़क हादसे में हुई 11 लोगों की मौत, 4 गंभीर घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। बढ़ते साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए रायगढ़ पुलिस ने लॉन्च किया सिटीजन ऐप। ऐप के जरिए जनता किसी भी क्राइम की शिकायत ऑनलाइन कर सकती है। सरगुजा के कांग्रेसी नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि एग्जिट पोल के सर्वे का आधार साइंटिफिक नहीं होता है, इसलिए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यकीन करके उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। टीएस सिंहदेव ने बताया कि हमने भी अपने सोर्सेस से सर्वे कराया है जो हमारे लिए ज्यादा विश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त और उत्साहित इसलिए है क्योंकि हमने अपने सोर्सेस से सर्वे कराया है। इस सर्वे के आधार पर टीएस सिंहदेव ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस को 52 से ज्यादा सीटें स्पष्ट रूप से मिल रही है। पूर्व कांग्रेस को 35 से लेकर 65 दे रहे हैं, तो किस एग्जिट पोल को माना जाए? स्वाभाविक है कि अलग अलग कंपनियों के साथियों ने जो एग्जिट पोल किया है वो वस्तुस्थिति से भिज्ञ नहीं हो पाए हैं, क्योंकि रिजल्ट 35 से 65 कैसे हो सकता है किसी पार्टी के लिए? भाजपा के लिए 21 से लेकर 52-53 तक का है, तो ये कैसे हो सकता है? तो होता है अलग अलग तरीके से आकलन किया गया, सही आकलन सभी का सही आकलन नहीं हो पाया है। इन्हीं आंकड़ों के बीच में रिजल्ट आना है और मेरा अभी भी यही मानना है कि कांग्रेस को 52 से ऊपर सीटें मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। धमतरी के खरेंगा गांव में रतनजोत खाने की वजह से 20 बच्चे बीमार हो गए। इसके बाद सभी बीमार बच्चों को धमतरी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक स्कूल से छुट्टी होने के बाद खेल खेल में बच्चों ने रतनजोत खा लिया, जिसके बाद सभी बच्चे बीमार हो गए। फिलहाल डॉक्टरों की टीम बच्चों का इलाज करने में जुटी है। रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जशपुर के झिकी गांव में भाजपा के पूर्व कांस्टेबल मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता के यहां थ्रेसर से धान की मिसाई करते वक्त अचानक आग लग गई। इसके बाद आग इतनी फैल गई कि सैकड़ों क्विंटल धान सहित थ्रेसर और ट्रैक्टर भी जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद आसपास के किसानों में हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। आग लग जाने के कारण सुनील गुप्ता को लाखों का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के कोरपनावानी रोड पर ट्रक और वैन की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के कोरपनावानी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर एक वैन को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 7 महिलाएं, 2 नाबालिग और 2 अन्य लोगों सहित कुल 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय वैन में 14 लोग मौजूद थे। मामले में एसपी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि यह हादसा करीब 9 बजे हुआ था। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने सभी शवों को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचवाया। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बढ़ते साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने सिटीजन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए जनता किसी भी क्राइम की शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकती है। इसके साथ ही ऐप की मदद से शिकायतकर्ता को ये भी पता चल जाएगा कि उनके मामले की जांच कहां तक पहुंची है। इस ऐप की मदद से पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल की तलाश कर कंप्लेनकर्ता को मोबाइल सुपुर्द भी किया। जिन लोगों ने डाउनलोड किया है ऐप उनको मालूम होगा। अन्य लोगों के लिए बता दें कि ये भी एक ऐप है जो कि गूगल प्ले पे और जिनके पास आईफोन है एप्पल स्टोर में दोनों में उपलब्ध है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती है, तो बहुत जल्दी ये डाउनलोड हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।